हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार और बात करते हैं टाइगर 3 की, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी से ज़्यादा फैन वॉर चल रही है। बात करेंगे इसका डे 4 किस तरीके का गया और डे 5 का जो कलेक्शन है वो किस तरीके का जाएगा, क्योंकि अब कोई छुट्टी नहीं बची है, अब लोग चले जाएंगे दफ्तरों में, तो क्या ड्रॉप आएगा कि नहीं आएगा उसके बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि जो डे 4 था गदर का, जो अच्छी गई थी, पठान सुपर डुपर हिट और जवान ब्लॉकबस्टर, ये सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिटेबल इनके कलेक्शन थे। एक चीज़ आप नोटिस करिए इसके अंदर, इनके जो डे 4 के कलेक्शन हो किस तरीके से शेपअप हुए। गदर का था 38.7 और ये कर चुकी थी 172 करोड़ रुपये इस समय तक, और ये अभी तक सिर्फ मंडे तक ही पहुंची थी, तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे पूरा अच्छे से इन्जॉय किया इसने। पठान ने कर लिया था अभी तक 220 करोड़ रुपये नेट इंडिया के अंदर और 53.5 करोड़ किया था जो उसके लिए संडे था, और संडे ही था जवान के लिए भी, उसने करे थे 80 करोड़ रुपीज़, हाईएस्ट मारा था इसने 286 करोड़ रुपीज़ हुआ थे। 80 करोड़ का जो है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो टूटा नहीं है अभी तक, जो हिंदी मूवी से रिलेटेड है। अगर हम बात करें कि टाइगर ने क्या लूज़ किया, क्योंकि उसने संडे को रिलीज़ की अपनी ये मूवी, उस दिन करी जब लोग जनरली लक्ष्मी पूजा के अंदर बिजी होते हैं, तो कलेक्शन ही शुरू हुई थी 44.5 करोड़ से, जो कि डे 3 के अंदर भी सेम ही तरीके की आई 44.5 करोड़ रुपीज़, और आज लगभग 22 करोड़ रुपीज़ में एक्सपेक्टेड है क्लोज होना। तो कल का जो 148.5 करोड़ रुपीज़ है वो इंक्रीज होके हो गया 170 करोड़ रुपीज़, और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है वो है 280 करोड़ रुपीज़। तो अब अगर आप ये देखें कि अगर ये दो दिन पहले रिलीज हो गई होती तो 50 करोड़ रुपीज़ आप इसके अंदर डाल लीजिए 170 के अंदर, और 170 मतलब हो गया आपका 220 करोड़ रुपीज़, तो ये लगभग जवान के आसपास होती अगर इसकी रिलीज स्ट्रैटेजी ठीक होती। तो अभी तो नहीं है, तो जो रियल है वो रियल है, और 280 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया, जो कि अगेन 50 से 60 करोड़ 70 करोड़ रुपीज़ और हो सकता था ईजिली, तो ये 350 करोड़ रुपये पर आज बैठी होती और इसको बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर माना जाता। अभी नहीं माना जाता इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर, क्योंकि इसको रिलीज ही ढंग से नहीं किया गया, लेकिन फिर भी ये सलमान खान की 17th लगातार मूवी है ऑलमोस्ट, जो कि 17th करियर की मूवी है जो 100 करोड़ रुपीज़ इस क्रॉस कर लिया है। इतना बड़ा स्टार इंडिया में नहीं है फिलहाल के लिए, और कोई अब जो बन रहा है स्टार जो लगातार हिट क्या मतलब ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ही देता है वो है शाहरुख खान खुद, और उसकी मूवीज़ की जो एंटिसिपेशन है वो नेक्स्ट लेवल है। वो याद दिला देता है किसी जमाने में जब राजेश की इतनी ज्यादा एंटिसिपेशन हुआ करती थी। क्रिटिकल चीज ये है कि 2010 से लेके 2023 तक सलमान खान की लगभग 17 फिल्में आई हैं, 13 साल का सफर है, एक भी मूवी ने 100 करोड़ से कम नहीं किया है अभी तक, तो बहुत बड़ी बात है। मेगा स्टारडम जिसको बोलते हैं, तमिल और तेलुगु वर्जन जो है टोटल कलेक्शन जो 170 की है उसमें सिर्फ 3.5 करोड़ रुपीज़ है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वहाँ से भी नहीं आया है। पठान और जवान के केस में फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था, जवान में ज़्यादा था, पठान में तो फिर भी इतना नहीं था, लेकिन ये जो कलेक्शन है थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है साउथ की लैंग्वेजेस को लेके। अब डे 5 में क्या होने वाला है, डे 5 के अंदर ये होने वाला है कि कल जो था वो 6 करोड़ रुपये पे क्लोज हुआ था एडवांस बुकिंग, और लगभग 20 टप गया है, यहाँ पर 5 करोड़ रुपये हायर साइड पे होता हुआ दिख रहा है एडवांस, तो मतलब 15 से 16 करोड़ रुपये कल होगा, बट क्योंकि सलमान खान है तो 2 करोड़ रुपये का बफर लेके चलो, क्योंकि साउथ जो आपके सिंगल स्क्रीन है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन आता है, तो एंड होते होते वहाँ के जब नंबर्स ऐड होते हैं तो 1-2 करोड़ रुपए तो वहाँ से भी ऐड हो रहे हैं हर रोज़ के हिसाब से, और वो लेट नाइट ही आते हैं 10 बजे 10:30 बजे के बाद। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट के साथ। अगर आपको मेरे को कनेक्ट करना है, सीधा सीधा बातें करनी है, तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना, और मेरे जितने भी अपडेट्स हैं वो मैं व्हाट्सएप पे भी डालता रहता हूँ, तो वो ग्रुप के लिंक और इंस्टाग्राम का आईडी दोनों ही पिंड है कमेंट बॉक्स में, आप क्लिक करना सीधा वहाँ पहुँच जाओगे। बाय बाय।